चाय, टोस्ट और बिस्किट। बाकी जो है बहुत ही बढ़िया है, आप फैमिली के साथ रहते हो, बच्चों के साथ रहते हो, गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हो, इतना सारा सब अच्छा फैसिलिटी वगैरह है। और दिखाता हूँ मैं आपको ये कैसा दिख रहा है, देखिए। चाय, टोस्ट और बिस्किट, और ये साफ है खाने के लिए। अभी क्या हो रहा है ये, है क्या कर रहे हो, उसको उसे बैठोगे क्या, है गिर जाओगे यार, अब यार अब गिर जाओगे। हेलो गाइज, गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मानस कुमार, फिर से आप लोगों के लिए नया वीडियो लेके आया हूं। और आज है ट्यूसडे 18 जनवरी है, शायद आज 18 जनवरी है, मंगलवार। और आज दिन का बात करें तो मेरा दिन काफ़ी अच्छा गया आज देखेंगे तो, बट काम वाम का थोड़ा सा रहता है, रस वगैरह, बाकी सब कुछ बढ़िया, कोई इश्यू नहीं है। बट बाकी का अगर देखें तो कोई नेगेटिविटी नहीं था लाइफ में, बहुत ही अच्छा था सब कुछ, और एकदम मस्त, बहुत ही अच्छा गया अभी तक। अभी टाइम हो रहा है करीब 7:30 और मैं घर पहुंचा करीब आज 7 बजे के आसपास पहुंचा, क्योंकि गाड़ी थोड़ा मेरा ख़राब हो गया था तो उसको थोड़ा रिपेयर किया। उसके बाद घर आया, कुछ ग्रोसरी सामान भी लेके आना था छोटा मोटा बच्चों के लिए, वो लेके आ गया। उसके बाद अब थोड़ा बहुत नहा धो के इवनिंग स्नैक्स, उसके बाद फिर सोच बैठा था कि क्या बनाऊँ आज, वीडियो समझ में नहीं आ रहा था, फिर सोचा कि चलो यार कैमरा पकड़ता हूँ, अपने आप जो बनना होगा बन जाएगा। तो आके ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ अभी, तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। और जो लोग मेरे चैनल में आज पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को अगर फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन होगा उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल बटन होगा उसको हिट कर लीजिए, ताकि मेरा जो वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। और मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। तो चलिए वीडियो का हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर आप बात करेंगे तो आज ट्यूजडे है, और मेरे बगल में जो वीकली मार्केट लगता था हुड़को वाला, वो भी आज मार्केट लगा, बट मैं सैटरडे को मार्केट से आ गया था एक्चुअली, जो जो सामान था सब लेके आ गया था, इसीलिए आज मार्केट जाना नहीं पड़ा। और ऑलरेडी मैं उसका 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं सोचा कि आज आप लोगों को और बोर नहीं करता आपकी, तो इसीलिए मैं मार्केट गया नहीं, घर में बैठा हूँ आज। तो फाइनली देखते हैं कि मतलब आते ही मैं इवनिंग स्नैक्स वगैरह जो है आरब के साथ बैठ के खा रहा था, अभी थोड़ा बहुत फैमिली टाइम हो गया, अभी ब्लॉग बना रहा हूँ। तो चलिए अभी बच्ची के पास थोड़ा चलते हैं, वो सरप्राइज विजिट करता हूँ, वो पढ़ाई कर रही थी, उसका भी असेसमेंट भी चल रहा है, तो देखते हैं वो क्या कर रही है। उसके बाद फिर आरब के पास थोड़ा चलेंगे, वो क्या कर रहा है देखेंगे। उसके बाद फिर किचन में भी चलेंगे, वहाँ पे क्या क्या बन रहा है थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद फिर आके कुछ बातें करेंगे, तो मेरे साथ ब्लॉग वीडियो में बने रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे। तो चलिए चलते हैं बच्ची के पास और देखते हैं क्या कर रही है वो। अलब क्या बोला है, अलब डांस करोगे, डांस। और चलते हैं किचन, देखते हैं किचन में क्या बन रहा है। दाल और गोभी, और हम लोग उड़िया है तो बेसिकली हम लोग चावल ही खाते हैं रात को, कभी कभी रोटी वगैरह बनता है, बट उतना ज़्यादा हम लोग रोटी प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि काफ़ी उड़िया वाले उड़िया लोग जो जो भी रहते हैं ना, सब उड़िया मतलब चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं मैक्सिमम, और वेस्टर्न उड़ीसा वाले तो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वेस्टर्न उड़ीसा मेड संबलपुरी और आपका बलांगीर कड़ी वाला जो है। और देखिए मेरा काफी पीछे पीछे आ गया, मेरा पीछे पीछे आ गया, पीछे पीछे फिर से आ। तो चलिए अभी मैं किचन से तो आ गया हूँ, और आप लोगों से शेयर करता हूँ कि बेसिकली मुझे जैसे कुछ बात करना था आप लोगों से, डेली मैं कुछ ना कुछ ऐसे बकवास करता रहता हूँ, तो आप लोग फिर भी उसको देखते हैं, इसलिए आपको सब बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आज फिर एक बकवास करता हूँ मैं एक्चुअली, कि अगर जैसे कुछ दिखते कहीं पर भी अगर ना हम लोग बेसिकली एक चीज़ को देखते हैं तो वो हम लोग को दिखता अलग है, लेकिन उसके पीछे का जो एक रहता है ना, मतलब उसका जो पीछे का जो सीनेरियो वो अलग रहता है एक्चुअली, हम लोग को दिखता अलग और पीछे अलग रहता है। तो ये बात मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, एक्चुअली हर जगह पे हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि जैसे खासकर अगर मैं मुद्दे की बात करूँ, तो अगर आप लोग अभी वीडियो पर देख रहे होंगे कि मानस एक लड़का है जो कि अपनी फैमिली के साथ बाहर कहीं पर रहता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करता है, अच्छे में रह रहा है, कुछ लोग बोल रहे होंगे ऐसा है वैसा है, बट मैं बाहर रहने का ना आज कुछ ड्रॉबैक कुछ डिसएडवांटेज आपसे मैं शेयर करने वाला हूं। तो चलिए मेरे साथ आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो अगर मैं पूरी कहानी के हिसाब से अगर बोलूं तो ये बात करीब 1.5 से 2 साल पहले का है, मतलब बिफोर आई थिंक आफ्टर कोविड था ये, फर्स्ट वेव के बाद ही ये एक्चुअली मैंने एक्सपीरियंस किया था। तो ये सब आपको मैं शेयर कर रहा हूँ कि
पोस्ट कोविड मेरा बीच में कहीं पे कुछ एक टाइम था कि मेरा एक्चुअली थोड़ा तबीयत खराब हो गया था। तो आप लोग जानते हैं कि मैं वाइफ और मेरे दो बच्चे रहते हैं, साथ ही मेरा एक ब्रदर इन लॉ मेरे ससाला एक रहता है, तो हम लोग पांचों आदमी रहते हैं। तो सडनली ना मेरा कुछ तबीयत ऐसे खराब हो गया। अब तो खराब हो गया तो ऐसा कंडीशन आया कि मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। एक्चुअली मैं आपको अगर बताऊं तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो डॉक्टर ने जैसे मुझे बोला कि आपको एडमिट होना पड़ेगा ऐसा है वैसा, तो मैं बहुत शॉक्ड हो गया क्योंकि मेरा लड़का उस टाइम शायद एक साल ऐसा कुछ हुआ होगा लग रहा है मुझे, कहा एक या एक साल दो महीने ऐसा कुछ हो चल रहा होगा उसको, या फिर विद इन वन ईयर्स हो रहा होगा उसको। तो मैं बहुत शॉक हुआ क्योंकि मैं अगर हॉस्पिटलाइज रहूँगा तो बच्चे हैं, मेरा बेटा है, वाइफ है साथ में, अगर मान लीजिए कुछ देर के लिए हम लोग सोचते हैं कि मेरा अगर साला में हम लोग के साथ नहीं रहता है तो यहाँ पे देखिए मैं हॉस्पिटलाइज हूँ तो मेरे साथ कौन रहेगा। हॉस्पिटल में कोई तो आपको अटेंडेंट चाहिए ना, आपको सब कुछ काम करने के लिए, आप हॉस्पिटल में बेड में है तो ये है वो है, बट फैमिली भी वाइफ भी बच्चों को लेकर उस कंडीशन पे हॉस्पिटल में जाके रोक नहीं सकती, तो क्या कर रहा है मतलब उस टाइम। तो ये मेरे लाइफ में ना बहुत ही मतलब एक खतरनाक एक्सपीरियंस मैंने किया था उस टाइम की। बाहर रहना बहुत अच्छी बात है, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो अच्छी बात है, कहीं पे आपको अच्छा सैलरी मिल रहा है अच्छी बात है, आप गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हो और अच्छी बात है, बट उसके कुछ ड्रॉबैक भी है। जैसे कि मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ कि बाहर रहने से ना कभी कभी हम लोग अगर गाँव वगैरह में रहते हैं तो क्या चाचा मामा काका अपने रिश्तेदार के काफ़ी लोग रहते हैं कि जो लोग आके आपको इनके सब इमरजेंसी मेडिकल वगैरह में आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं, बट यहाँ पे ये सब ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली, तो आपको खुद सब कुछ मैनेज करना पड़ता है बेसिकली। तो फाइनली क्या है कि मेरे साथ मेरा साला था तो वो मतलब काफ़ी हद तक मैं बहुत थोड़ा बहुत मतलब काफ़ी रिलैक्स हो गया क्योंकि वो मेरे साथ हॉस्पिटल में पूरा सुबह शाम रहता था। तो मैं सोचता था कि अगर ये अगर नहीं होता तो क्या होता आगे के लिए। तो और जिन लोगों के पास उनका कोई नहीं है, जो लोग फैमिली के रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो हर स्टेट से लोग आते हैं, इंडिया के कोने कोने से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं लोग, पूरा पोस्टेड हैं, तो सबको हर कोई क्या ऐसे किसी के पास साला नहीं होता है, किसी के पास पेरेंट्स नहीं होते, वो लोग अपनी फैमिली को लेकर अकेले रहते हैं तो वो लोग कैसे करेंगे मतलब। तो ये ना एक्चुअली बाहर रहने का फैमिली के साथ ना ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है एक्चुअली, डिसएडवांटेज अगर मैं बोलूँ तो। आपके पास पैसा रहता है, आपके पास फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट का फैसिलिटी भी है, बट आपको अगर मेडिकल अगर हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है तो बहुत ये वाली बात है। तो उस टाइम क्या हुआ था कि मैं बहुत परेशानी में था, फिर मेरा साला था तो थोड़ा बहुत मैनेज हो गया, हम लोग मैं और साला हॉस्पिटल में रहते थे, फिर वाइफ और बच्चे यहीं पे क्वार्टर में रहते थे, फिर मैंने इमरजेंसी अर्जेंटली मेरे पेरेंट्स को बुलाया, वो लोग उड़ीसा से आए और बाकी सब कुछ मतलब थोड़ा बहुत मैनेज हो गया। तो फाइनली अगर बोलूँगा ना तो आपका 100 में से ना 50-50 आप बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग का डेली तो अच्छा चलता रहता है लेकिन हम लोग के इमरजेंसी में कुछ परेशानी टाइम में, हम लोग का कुछ रिक्वायरमेंट टाइम में, जरूरत टाइम में अगर हम लोग का कोई साथ में ना होता ना हो तो फिर बहुत बड़ी एक वो लगता है कि यार मैं कैसे क्या करूँगा यहाँ पे, मतलब वो अलग लेवल का एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। वो फाइनली ये एक बड़ा ड्रॉबैक है एक्चुअली, नहीं तो बाकी जो है बहुत ही बढ़िया है। आप फैमिली के साथ रहते हो, बच्चों के साथ रहते हो, गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हो, इतना सारा सब अच्छा फैसिलिटी वगैरह है, आपके बच्चे अच्छे अच्छे जगह पे पढ़ते हैं, सेंट्रल स्कूल में पढ़ते हैं, तो और क्या चाहिए लाइफ में बताइए। मतलब आपको सैलरी वगैरह सब एक तारीख को मिल जाता है, मतलब एवरीथिंग इज ओके, बट उस एक जो ड्रॉबैक है ना, कभी कभी आपका तबीयत वगैरह खराब बहुत ही रेयर होता है, लेकिन उस टाइम में आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। लेकिन हम लोग के यहाँ पे क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे फैसिलिटीज हैं जैसे कि अगर मान लीजिए मेरा कोई नहीं था उस टाइम, अगर मेरा साला नहीं होता तो यहाँ पे डिपार्टमेंटल को, अगर डिपार्टमेंट HOD को मैं अगर कुछ रिक्वेस्ट करूँगा तो वो शायद मेरा एक कलीग को डिपार्टमेंटल वो भेज दे कि थोड़ा जाके देख लो हॉस्पिटल में ऐसा है वैसा है, तो ऐसा कुछ है शायद मैं सुना, बट प्रैक्टिकली तो एक्सप्रेस नहीं किया था, बट ये एक बड़ा ड्रॉबैक है। फैमिली के साथ आप बाहर रहोगे तो क्या आपको करना पड़ता है, मतलब क्या क्या परेशानी झेलना पड़ता है। बाकी ना बहुत ही अच्छा माहौल है, मैं सबको बोलना चाहूँगा जो लोग अभी बैचलर हैं गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग पढ़ाई वढ़ाई कीजिए, जान लगा दीजिए अभी जब तक आप लोगों का एज है, और कहीं पर अच्छी जगह पर गवर्नमेंट जॉब कर लेंगे तो आपकी फैमिली के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा लाइफ होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और अभी फिर चलता हूँ कि किचन में और कुछ बन रहा है। गोभी वगैरह तो बन रहा था, दाल बन रहा था और चावल बन रहा था, और वाइफ बता रहे थे कि और कुछ बनेगा, तो चलिए देखते हैं किचन में। अलब आ गए फिर से तुम, अलब फिर से आ गए, ये लो चॉकलेट ले लो चॉकलेट, चलो 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 किचन में चलो, आजा। तो देखता हूँ मैं कुछ पापड़ वगैरह, वाइफ बोल रही थी बनाने के लिए। क्या बन रहा है फिर से?
तो जैसे कि मैं अभी कुछ मिनट पहले बोल रहा था कि आज गोभी और आलू का कुछ भुर्जी टाइप का बन रहा है, उसके साथ दाल और अभी और एक आइटम ऐड हो गया है डिनर में, तो वो है मसाला पापड़। तो अभी आज हम लोग बनाएंगे मसाला पापड़ और इसको कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए पहले हम लोग तवा को मैं कुछ पापड़ फ्राई कर लेते हैं ऐसे करके सूखा सूखा ड्राई ड्राई इसको फ्राई करना है। तब तक वो फ्राई हो जाए मैं आपको बोल देता हूँ हम लोग क्या क्या लिए हैं। ये कुछ चॉप्ड चॉप्ड टमाटो है, उसके साथ कुछ चॉप्ड प्याज, उसके साथ कुछ धनिया पत्ता है, उसके बाद कुछ ग्रीन चिली, उसके साथ नींबू और ये है कुछ एक चाट मसाला है, अमचूर पाउडर है, ब्लैक सॉल्ट है आपके पास तो ये देखिए, तो ये हाँ ये ब्लैक पेपर है भी ये और अमचूर पाउडर वगैरह भी है, चाट मसाला है और ये देखिए पापड़ अभी दोनों तरफ से फ्राई मतलब फ्राई हो चुका है। फ्राई नहीं बोलेंगे इसको, क्या जलाते हैं एक्चुअली हम लोग तावे में इसको, तो ऐसे जला देना है पहले पापड़ को हम लोग को पहले से कुछ जला के रखे हैं देखिए, और उसमें कैसे क्या डालते हैं वो बताता हूँ आपको। ये मसाला पापड़ ना बहुत ही मतलब टेस्टी एक्चुअली लगता है, मैं तो सारा चीज़ टेस्टी बोलता हूँ फाइनली ये सब टेस्टी लगता है। ये आप कभी बना के दीजिएगा मसाला पापड़ एकदम मतलब घर में घर का सिंपल इंग्रेडिएंट से ये बन जाता है, ज़्यादा कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता। चाट मसाला तो सबके घर में होता ही है, आपका ब्लैक सॉल्ट तो सबके घर में होता ही है, बस आपको आमचूर पाउडर वगैरह थोड़ा बहुत अरेंज करना पड़ता है ना, तो वो भी काफ़ी घर में अवेलेबल हो जाता है। उसके साथ आपका टमाटो तो रहता है डेली, ओनियन रहता है, आपका धनिया का पत्ता भी रह जाता है, तो ऐसे मतलब घर के सामान में ही बन जाता है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कुछ परमिशन करना नहीं पड़ेगा। तो अभी टमाटर अपना जितना पापड़ है सब हो गया फ्राइड, अभी सबको जला दिए हैं, उसके बाद हम लोग बनाते हैं मसाला पापड़। तो चलिए देख आपको मैं दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं मसाला पापड़। तो पहले आपको क्या करना है, ऐसे तीन कुछ पापड़ को आप प्लेट में से सजा कर रख देना है, उसके ऊपर आपको डालना है जो चॉप्ड टमाटो है उसको डालना है, और आप जितना मतलब बहुत बारीकी चॉप नहीं होना चाहिए टमाटर, आप टमाटर कम भी डाल सकते हैं, और ऐसे पहले टमाटर को का एक लेयर डाल देना है इसमें, और घर में खाने का ये बहुत ही मजा आता है एक्चुअली, काफ़ी टेस्टी रहता है। इधर मेरा लड़का है जो डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा सा, इसलिए मैं कैमरा भी अच्छे से फोकस से पकड़ नहीं पा रहा हूँ। तो फाइनली चॉप हो गया ये टमाटो, उसके बाद हम लोग डालेंगे चॉप्ड ओनियन। आ रहा ऐसे डाल देना है और देखिए कितना अच्छा लुक है इसका। उसके बाद हम लोग डालेंगे चॉप्ड ग्रीन चिली, मिर्ची डालना है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कितना डालना है आपको, और आप मिर्ची जितना बारीकी से काटेंगे उतना अच्छा रहेगा एक्चुअली, क्योंकि मिर्ची आपको दिखेगा भी नहीं और उसका फ्लेवर ही पता चल जाएगा। उसके ऊपर डालेंगे हम लोग कुछ धनिया का पत्ता और इसके ऊपर हम लोग अपना जो मसाला वगैरह है पाउडर वगैरह सब डालेंगे अभी। तो फाइनली तीन चीज का लेयर बन चुका है, इसके ऊपर हम लोग डालेंगे अभी रेड चिली पाउडर, और रेड चिली पाउडर ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ग्रीन चिली डाल चुके हैं इसमें, थोड़ा बहुत डालना है ऐसे आप उंगली से डाल सकते हैं इसको, क्योंकि ज़्यादा तीखा होगा तो खाने का मजा भी नहीं आएगा। इसके बाद हम लोग डालेंगे ब्लैक पेपर, ये देखिए ऐसे डाला जा रहा है ब्लैक पेपर कोट। उसके बाद डालिए हम लोग ब्लैक सॉल्ट, ज़्यादा नहीं डालना है मतलब अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। उसके ऊपर हम लोग डालेंगे इसमें चाट मसाला ताकि और चटपटा लगे। ओ हो देखिए कैसा दिखने लगा अभी ये, और उसके बाद हम लोग फाइनली डालेंगे कुछ ड्रॉप नींबू का पानी। तो फाइनली रेडी हो चुका है हम लोग का मसाला पापड़, और दिखाता हूँ मैं आपको ये कैसा दिख रहा है देखिए, टमाटर ओनियन धनिया पत्ता ग्रीन चिली ये सब मिलके कैसे एक लेयर बना है और कितना अच्छा लग रहा है ये दिखने में, और आपको खाकर मैं खा के बताता हूँ अभी। और ये देखिए अभी हम लोग खाने वाले हैं और चलिए देखते हैं कैसा लग रहा है ये। और हो मजा आ गया, मजा आ गया, काफी तीखा है एक्चुअली, बाकी एकदम टेस्ट जो कड़क है
तो फाइनली इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं और आप लोग मेरे चैनल में बने रहिए, और जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आज बन रहा है गोभी का, आलू गोभी का कुछ फ्राई, भर्जी भुर्जी टाइप का बन रहा है, उसके साथ दाल बन रहा है, उसके साथ मसाला पापड़। तो अपन अभी लंच करके खा के सो जाएंगे फटाफट, क्योंकि कल भी ड्यूटी जाना है और कल बहुत बड़ा कुछ प्रोटोकॉल जॉब है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो ब्लॉग में। स्टे ट्यून्ड विद मी, थैंक यू।